ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका ने आज मुंब्रा के बॉम्बे कॉलोनी में एक इस्माइल नामक अवैध इमारत पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई मनपा के मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर के निर्देश पर अतिक्रमण विभाग के अमित गडकरी और जितेंद्र सावले ने इस दो मंजिला इमारत पर हथौड़ा चला दिया, जिसमें 8 मकान को तोड़ दिया गया है। गैस कटर से स्लेब काट कर गिरा दिया गया है, यानी कि 10 तारीख से अब अवैध निर्माण पर मनपा का हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। मनपा कर्मचारी कार्रवाई के लिए अब मैदान में उतर गए हैं, मगर वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ दिखावे के लिए एक दो दिन कार्रवाई होगी और कुछ नहीं है। अवैध निर्माण को लेकर शहर में काफ़ी हलचल है। बॉम्बे कॉलोनी से तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मच गई है। फिलहाल जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, जो गरीब इमारत में मकान लेकर रहते हैं उनके लिए ये बड़ी मुसीबत बन गई है। बॉम्बे कॉलोनी में एक जुबैदा नामक महिला का घर टूटने से महिला की हालत बिगड़ गई, महिला बेहोश हो गई। महिला गरीब है, ब्याज पर पैसे लेकर रमजान में काम करके करीब 2 लाख रुपए खर्च कर अपने घर को दुरुस्त करवाई थी और कुछ पैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी दी थी, मगर कॉन्ट्रैक्टर अधूरा काम छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद महिला ने अपना एक एक पैसा लगाकर खुद मकान को दुरुस्त किया और आज ही मनपा ने उसके आशियाने को तोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि जब अवैध निर्माण किए जाते हैं उस वक्त मनपा क्यों कार्रवाई नहीं करती, और जब इसमें लोग रहने के लिए आते हैं तो मनपा को अवैध निर्माण बराबर नज़र आती है। ऐसे में नुकसान उस गरीब का होता है जो अवैध इमारत में मकान लेता है। मुंब्रा कौसा परिसरों में ऐसे निर्माण कार्य जारी हैं, क्या मनपा उन पर कार्रवाई करेगी या फिर वाकई में दिखावे की कार्रवाई है, अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।